बैक टू सीजी शिक्षा मैटिंग साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लासिक्स मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर के बेस पर रेखा गणितीय रचना के बेस पे, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेखा रेखाखंड के बेस पे देखे थे, अब उसका अंतर के बेस पे यहाँ पर देखते हैं, फिर उसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। देखिए रेखा और रेखाखंड के बीच में जो अंतर होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ये रेखा के बेस पे होता है और ये रेखाखंड के बेस पे होता है। ये किसके बेस पे होता है? रेखा खंड के बेस पे होता है। क्लियर? तो रेखा और रेखाखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ये आप लोगों का लाइन होता है और ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। ये आप लोगों का लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेस पे क्या होता है। तो चलिए जिस तरीके से हम लोग जिसका मापन संभव होता है रेखा के बेस पे देखते हैं और एक को रेखाखंड के माध्यम से देखते हैं। तो एक को हम लोग रेखा के माध्यम से देख लेते हैं भाई और एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आपके पास ये आ जाएगा भाई कि रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे क्या होता है। एक को हम लोग रेखा के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से देखते हैं कि रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे भी क्या होता है। तो एक को हम लोग रेखा के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं कि रेखा किसके अकॉर्डिंग में होता है और रेखाखंड भी किसके अकॉर्डिंग में भी होता है। तो एक को रेखा और एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है भाई? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है भाई? अनिश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर? तो रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। तो रेखा के माध्यम से भी जान सकते हैं और रेखाखंड के माध्यम से भी जान सकते हैं कि रेखा के बेसिस पर भी क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे भी क्या होता है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर? तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं कि रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे क्या होता है। तो रेखा के माध्यम से भी जान सकते हैं और रेखाखंड के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर? तो रेखा की लंबाई के बेस पे जान सकते हैं और रेखाखंड की लंबाई के बेस पे जान सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो इन क्वेश्चनों के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? क्लियर कर सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई
निश्चित होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। दूसरा देखते हैं, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। और दूसरा जान सकते हैं, रेखा यहाँ पर रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। तीसरा, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं और रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं और रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है भाई, अनिश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अंतराल में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अंतराल में रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेस में भी रहते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखाखंड को क्या कर सकते हैं भाई, माप सकते हैं। तो ये इसके बेस पे भी हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन के बेसिस में भी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आता है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आ रहा है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि रेखा के माध्यम से क्या होता है, रेखाखंड के माध्यम से क्या होता है, क्लियर। रेखा के बेसिस पे क्या होता है, रेखाखंड के माध्यम से भी क्या कंटेंट आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि दोनों किसके बेस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। और रेखाखंड, रेखा का मापन संभव नहीं है, संभव नहीं है, रेखाखंड का मापन संभव है, रेखाखंड का मापन संभव है, क्लियर। तो रेखा और रेखाखंड के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहता है। तो रेखा की लंबाई के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखा की लंबाई के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये दोनों किसके बेसिस में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को
आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व नोट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित के बेसिस पे होता है कि निश्चित के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं, जबकि रेखाखंड को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं जबकि रेखाखंड का मापन क्या है, संभव होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते जबकि रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो चलिए इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके एक रीडिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते जाते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहता है। चलिए तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व नोट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। चलिए तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके एक रीडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि आपके पास रेखा की लंबाई के बेस पे भी क्या होगा और रेखाखंड की लंबाई के बेस पे क्या होगा। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। रेखा को एक ज्यामितीय रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। क्लियर? तो इसमें भी हम लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। रेखा एक गणितीय अवधारणा में है तो रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा में है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन
संभव नहीं है, जबकि रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। रेखाखंड का मापन संभव है, रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। रेखा एक गणितीय अवधारणा में है, जबकि रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा में है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। रेखा एक गणितीय अवधारणा में है, जबकि रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा में भी है। तो रेखा के बेस पे जान सकते हैं और रेखाखंड के बेस पे भी जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि रेखा के बेसिस पे क्या होता है और रेखाखंड के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जैसा देख रहे थे रेखा के बेस पे कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो रेखा को माप नहीं सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। तो रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। रेखा एक गणितीय अवधारणा में है, जबकि रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा के बेसिस पे है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो रेखा की लंबाई के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई, कि ये रेखा की लंबाई के बेसिस पे क्या होता है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो रेखा एक गणितीय अवधारणा में है, जबकि रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा में है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा को माप नहीं सकते हैं, जबकि रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखा का मापन संभव नहीं है, जबकि रेखाखंड का मापन संभव है। रेखा को एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, जबकि रेखाखंड को भी एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्लियर। रेखा एक गणितीय अवधारणा में है, जबकि रेखाखंड भी एक गणितीय अवधारणा में है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि रेखा और रेखाखंड के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है, क्लियर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि त्रिभुज के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट था कि त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि त्रिभुज में कि पहला कंटेंट के अनुसार से आपके पास ये कंटेंट आया था भाई। त्रिभुज के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे तो हमारे पास त्रिभुज के बेसिस पे ये कंटेंट आया था पहला,
जब हम लोग इसको किसके बेस पे देखे थे, त्रिभुज के बेस पे देखे थे कि पहला कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, त्रिभुज में तीन तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। दूसरा, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में तीन क्या होते हैं भाई, भुजा होते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेसिस पे भी होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। तीसरा देखते हैं भाई, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। चौथा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। पांचवा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है। पहला आपका भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। और क्लियर? और भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो चलिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, दूसरा कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर भी होता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है? कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, तीसरा भुजा के आधार पर होता है और एक इन प्रकार के होते हैं। क्लियर, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने रूप में होता है भाई, दो रूप में होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने रूप में होता है, दो रूप में होता है। क्लियर, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, तीसरा भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के बेसिस पर भी होता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के बेसिस से भी जान सकते हैं शीर्षक माध्यम से क्या होता है, भुजा के माध्यम से क्या होता है और कोण के माध्यम से क्या होता है। तो इन कंटेनों के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चनों के आधार पर है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के आधार पर भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी देख लेते हैं भाई
कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बेस होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। और पहला भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, तीसरा भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो पहला आपके पास ये कंटेंट देख लिया भाई कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर।
भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है, और तीसरा होता है भुजा के आधार पे। तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो। 11 नंबर के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा के आधार पे हमारे पास होता है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर यहाँ पर होता है तीन तरीके से। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? 12वां नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, भुजा के आधार पे होता है, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी पहला
समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर भी जान सकते हैं और कोण के आधार पर भी जान सकते हैं, ठीक है, कि भुजा के आधार पर भी क्या होता है और कोण के आधार पर भी क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में क्या होता है भाई, विकर्ण के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तो ये भुजाएं किसके माध्यम से होता है और ये शीर्ष किसके माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज के बेसिस हो जाएगा। तो भुजा के आधार पर भी जान सकते हैं, कोण के आधार पर भी जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि भुजा के आधार के बेसिस पर क्या होता है, कोण के आधार के बेसिस पर क्या होता है। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई, ठीक है, कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और भुजा के बेसिस पे क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष के माध्यम से होता है, त्रिभुज में तीन भुजा के माध्यम से होता है भाई। तो एक को हम लोग भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग कोण के माध्यम से भी जान सकते हैं, कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी होते हैं और कोण के आधार पर भी होते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। और ये भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पे पहला समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिककोण त्रिभुज के बेस हो जाएगा। तो भुजा के आधार पे देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे देख लेते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिककोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण किसके रूप में होता है भाई, दो रूपों में भी होता है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट
कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो त्रिभुज भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं भाई, भुजा के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे भी देखते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के बेसिस पे होते हैं। तो एक को भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को आप लोग कोण के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्लियर, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है, और कोण के आधार पर भी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, जिसकी दो भुजा समान होती है। 15 नंबर, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं कि जिसके तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होती है। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज होता है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। ठीक है, अब 16 नंबर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि कोण के आधार पर पहला होता है न्यून कोण के बेस पे होता है, पहला किसके बेस होता है, न्यून कोण के बेस पे होता है, जिस कोण की माप जीरो अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। और दूसरा होता है समकोण, जिस कोण की माप केवल 90 अंशों और अधिक कोण के माध्यम से भी जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक
अधिक एवं 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, कम हो। क्लियर। चलिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक लोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक लोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर है कि भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। एक भुजा के आधार पे होता है और एक क्या होता है, कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे भी जान सकते हैं और कोण के आधार पे भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पे भी जान सकते हैं और कोण के भी अनुसार हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भुजा के बेसिस पे क्या होता है और कोण के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। कोण के आधार पर न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, समकोण त्रिभुज जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, अधिक कोण त्रिभुज जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम हो, समकोण त्रिभुज जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, अधिक कोण त्रिभुज जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। तो त्रिभुज के बेसिस से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, समकोण त्रिभुज जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, अधिक कोण त्रिभुज जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भुजा के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है,
समद्विबाहु बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, और ये कोण के बेसिस पे भी आपके पास किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे भी आएंगे। तो भुजा के आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो पहला भुजा के आधार पे देखते हैं, फिर कोण के आधार पे देखते हैं। भुजा के आधार पे भी क्या होता है और कोण के आधार पे भी क्या होता है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई कि भुजा के आधार पर क्या होता है, कोण के आधार पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज किसके बेस पर रहता है और समद्विबाहु त्रिभुज किसके बेस पर रहता है, विषमबाहु त्रिभुज किसके बेस पर रहता है, कोण के आधार पर क्या होता है, क्लियर। न्यून कोण के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आता है, क्लियर। ये आप लोगों का न्यून कोण के बेस पे है, ये किसके बेस पे, न्यून कोण के बेस पे है, ये आप लोगों के सम कोण के बेस पे, ये आप लोगों का अधिक कोण के बेस पे। तो न्यून कोण के बेस पे हमारे पास क्या आता है, सम कोण के बेस पे क्या आता है और अधिक कोण के बेस पे क्या आता है। तो हम लोग एक न्यून कोण के माध्यम से जान सकते हैं, एक को सम कोण के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग अधिक कोण के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, कितना शीर्ष होता है, तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है, पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर हमारे पास पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। कोण के आधार पर न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, और जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो। अधिक कोण त्रिभुज, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो कोण के आधार पर देखते हैं, पहला न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। कोण के आधार पर पहला न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, और सम कोण, जिस कोण की माप केवल 90 अंश, अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूप में होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने रूप में होता है भाई? तो त्रिभुज का वर्गीकरण आपके पास दो रूपों में होता है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि त्रिभुज के बेस पे क्या होगा और हमारे पास भुजा के आधार पे क्या होगा, कोण के आधार पे क्या होगा। तो एक को आप लोग भुजा के आधार पे भी जान सकते हैं और एक को आप लोग कोण के आधार पे जान सकते हैं। क्लियर। जैसे भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु के बेस पे जानते हैं, समद्विबाहु विषमबाहु के बेस पे जानते हैं, उसी प्रकार आप लोग कोण के एक रोडिंग में भी जान सकते हैं कि कोण के बेस पे भी क्या होता है, एक कोण के एक रोडिंग में भी होता है। क्लियर। तो कोण के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि कोण के एक रोडिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा, कोण के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। अब बिंदु के बेस पे हम लोग देखते हैं, किरण के बेस पे देखते हैं जो आपके पास आता है भाई। तो जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं बिंदु के बेसिस पे, क्लियर, किसके बेस पे, बिंदु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, जिसकी लंबाई मीन्स लेंथ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, और क्या होती है भाई, चौड़ाई, और क्या होती है भाई, चौड़ाई। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई को वृत्त क्या बोला जाता है भाई, वृत्त। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई नहीं होती है भाई, ना तो चौड़ाई होती है भाई, ना ही ऊंचाई होती है भाई। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो बिंदु को हम लोग केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं भाई, दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इस डॉट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ये बिंदु के माध्यम से हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बिंदु के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर। तो पॉइंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई लेंथ चौड़ाई ब्रेथ ऊंचाई हाइट तीनों नहीं होती है, जिसको केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो ये आप लोगों की बिंदु के बेसिस में भी हो जाएगा भाई कि बिंदु किसके एक रोडिंग में आएगा और ये बिंदु किसके बेसिस पे आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊँचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय
आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाते हैं, जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ हाइट, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट के बेसिस पे होता है। एक लेंथ के बेस पे होता है, एक ब्रीथ के बेस पे होता है, एक हाइट के बेस पे होता है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, बिंदु कहलाती है। तो बिंदु के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बिंदु की विशेषता के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, बिंदु किसके एक रूडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुरूप में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, जिसको हम केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। ये क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो यहाँ पर बिंदु के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि बिंदु के बेसिस पे, कि बिंदु की विशेषताएं, ये कोई बिंदु नाम नहीं है, ये गणितीय अवधारणा, रेखा गणितीय ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है, ठीक है, बिंदु की विशेषताएं। क्लियर। तो बिंदु के बेसिस पे हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है भाई, बिंदु के बेस पे देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बिंदु को, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति आकृति है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है। दूसरा, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक क्या होती है भाई, ज्यामितीय आकृति है। बिंदु बिंदु की लंबाई नहीं होती, बिंदु की लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई नहीं होती है, नहीं होती है। थर्ड थर्ड देखते हैं भाई, बिंदु के बेसिस पे, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु की विशेषताएं के बेस में देखते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु एक क्या होती है भाई, ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु की विशेषताएं के बेस पे देख लेते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है भाई। क्लियर। तो बिंदु के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये बिंदु किसके एक रोडिंग में होता है और ये बिंदु किसके बेसिस पे भी आता है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बिंदु किसके बेसिस पे होता है और बिंदु किसके एक रोडिंग में भी आता है। तो इस बिंदु के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु एक क्या होती है भाई, ज्यामितीय आकृति के बेस पे होती है। क्लियर। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी होता है, क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि बिंदु की विशेषता, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, क्लियर। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही आपके पास ऊंचाई होती है भाई। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणितीय, बिंदु रेखा गणित, बिंदु रेखा गणित का एक भाग है, एक भाग है, भाग है। ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ज्यामितीय, ज्यामितीय गणित में, ज्यामितीय गणित में इसका इसका बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणित का एक भाग है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बिंदु की विशेषता के बेस पे जब भी हम लोग देखते हैं भाई, बिंदु की विशेषता के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि बिंदु की विशेषता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये कंटेंट किसके एक्रोडिंग में भी होते हैं, तो बिंदु के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बिंदु किसके एक्रोडिंग में होता है और ये बिंदु किसके बेसिस पे भी होता है। तो बिंदु के एक्रोडिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, इसको हम लोग बिंदु के बेसिस पे देखते हैं। तो बिंदु के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, इसको बिंदु के माध्यम से जानते हैं। बिंदु की विशेषता के बेस पे कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणित का एक भाग है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बिंदु की विशेषता के बेस पे देखते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणित का एक भाग है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बिंदु की विशेषताएँ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणित का एक भाग होता है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बिंदु की विशेषताएँ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में होता है और ये किसके किसके कंटेंट में भी होता है। तो बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु रेखा गणित का एक भाग है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बिंदु के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति के बेस होता है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु एक रेखा गणित का एक भाग होता है, ज्यामितीय गणित में इसका बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। इस क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं।